जय गणेश। तो जी हाँ गाइस, स्वागत है आपका इंडियन पोकेमोन गो यूट्यूब चैनल की इस वीडियो पे। तो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू हैक पोकेमोन गो इन एनी एंड्रॉइड डिवाइस। जी हाँ गाइस, मैं आपको पोकेमोन गो हैक करना सिखाऊंगा, जॉयस्टिक कैसे ला सकते हो पोकेमोन गो में, ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी मेथड से बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, अपने स्मार्टफोन का प्ले स्टोर ऐप खोल लेना है। जी हाँ गाइस, प्ले स्टोर ऐप खोलो और उसमें सर्च कर लो पोकेमोन गो। जी हाँ गाइस, मैं पोकेमोन गो हैक करना सिखा रहा हूँ, तो भाई पोकेमोन गो ही आपको सर्च करना होगा प्ले स्टोर पे। अगर आपके पास पहले से पोकेमोन गो इंस्टॉल है तो अनइंस्टॉल कर दो, और अगर पोकेमोन गो पहले से ही भाई आपने डाउनलोड नहीं कर रखा, इंस्टॉल नहीं कर रखा, तो और क्या ही अच्छी बात हो सकती है ऐसे। मतलब देख लो यार, अगर आपके पास पोकेमोन गो इंस्टॉल है तो भाई अनइंस्टॉल कर दो, मैं भी कर देता हूँ एकदम फटाफट। लो जी गाइज, मैंने पोकेमोन गो इंस्टॉल कर दिया है, अब आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको पोकेमोन गो हैक करना है तो भाई अपने फ़ोन का कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लो। जी हाँ गाइज, जैसे मेरे पास भाई गूगल क्रोम का ब्राउज़र है, तो भाई मैं गूगल क्रोम के ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। अब भाई देख लो, मैंने गूगल क्रोम के ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। अब आपको सिंपली इस पर सर्च करना होगा पीजी शॉप। जी हाँ गाइज, जैसे भाई मैंने पीजी शॉप अभी इसमें सर्च कर दिया है, और हर कोई बार चल जाए तो फिर मैं इसमें पीजी शॉप सर्च कर लेता हूँ। देख लो यार, अभी फ़ोन थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि रात का टाइम है, और ये वीडियो भाई मेरे फ़ोन से नहीं बनाई गई है, मैं एकदम प्योर क्रिकेट प्लेयर हूँ, मैं पोकेमोन गो हैक को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। भाई मैं ब्लॉग डालता हूँ पोकेमोन गो के अभी भी, तो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और ये वीडियो भाई मेरे दोस्त ने भेजी है, वो अभी रात को पता नहीं उसने वीडियो भी मेरे को बना के भेज दी, तो भाई मैंने भी इसमें वॉइस ओवर कर दिया है। ये पिक्चर देखने वाला है, इसके बाद तो आप क्या ही कह सकते हैं। पर हाँ, बैक टू टॉपिक गाइस, जो पर देख लो, बैक टू टॉपिक बस यही बात है। पीजी शॉप आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, लिंक पर क्लिक करो और पीजी शॉप इंस्टॉल कर लेना, जिससे आप ईजिली पोकेमोन गो हैक कर सको। अब अगर अपन आगे बात करें पीजी शॉप को इस्तेमाल करने के बारे में, तो देखो यार, सीधी सरल बात है, आप लोगों को सिंपली इस ब्लू कलर के डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका पीजी शॉप इंस्टॉल हो जाए या फिर पीजी शॉप डाउनलोड हो जाए। करना कुछ नहीं है गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही रखा है, तीसरी या दूसरी बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ गाइज डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करो, पीजी शॉप डाउनलोड करो, या फिर आपके पास कोई भी ब्राउजर है तो भाई पीजी शॉप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो या फिर इंस्टॉल कर लो, जिससे आप पोकेमोन गो हैक कर सको। और भाई मैं पहले ही बता दूँ, ये पीजी शॉप का फ्री वर्जन है, मतलब इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगने वाला। इसी के साथ साथ फ़ोन भी रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसे इंस्टॉल करो, इसे इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। देख लो यार, और हाँ, अगर आप भाई बहुत ज़्यादा पैसा बह बह के जा रहा है घर वालों का, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा भाई पीजी शॉप की पेड की वर्जन आप खरीद सकते हो, $5 की है भाई, और उसमें दो डिवाइस आराम से चल जाएंगे। वरना मैं नहीं मानो तो भाई फ्री वर्जन ऑफ पीजी शॉप ये आप डाउनलोड करो, इस्तेमाल करो। पेड की या फिर पेड पीजी शॉप का वर्जन क्यों ही इस्तेमाल करना, मतलब बाप दादा का खुद का पैसा भी क्यों ही उठाना गाइस, मतलब $5 भी क्यों ही खर्च करना जब आप काम फ्री में कर सकते हो। बस आपको इस प्रूफिंग से मतलब रखना चाहिए, मेरे ख्याल से पीजी शॉप का पेड की वर्जन आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि भाई मैं गिव अवे बहुत सून कर दूंगा गाइस। पेड पीजी शॉप की का गिव अवे सून होने वाला है मेरे चैनल पे, भाई कब होगा मैं आपको लाइव स्ट्रीम में आके बता दूंगा। तो भाई मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब और कमेंट फलाना डीम करना, जो भी तुम्हें करना है कर लो। अभी मैं तुम्हें हैक करना सिखा रहा हूँ, बार बार टॉपिक से मत भटकाओ यार। जोक से पार्ट गाइस, तो अब देखो यार, सीधी सरल बात है, डाउनलोड हो चुका है भाई मेरा पीजी शॉप, मेरे को इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसे फटाफट इंस्टॉल करता हूँ और आपको आगे बताता हूँ आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो वेल गाइज, भाई पीजी शॉप पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, मतलब पीजी शॉप का पोकेमोन गो मेरे फ़ोन में अच्छे से प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। फ़ोन भी इसे वेरीफाई कर चुका है कि भाई इसमें कोई वायरस वायरस तो नहीं है। और भाई देख लो, सिंपल है भाई, आपको अपने होम स्क्रीन पे जाना है, आपको पोकेमोन गो दिख जाएगा पीजी शॉप वाला, ऑफकोर्स पीजी शॉप वाला, पीजी शॉप वाले में आपको स्टार दिख जाएगा। आप जैसी पोकेमोन गो ओपन करोगे तो भाई मैं इसे सिंपली एक बार ओपन कर लेता हूँ और आपको भाई फ़र्क दिख जाएगा। देखो यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में स्टार आ गया होगा, देख लो भाई, यही है पीजी शॉप का साइन, और आप इससे आराम से हैक कर सकते हो। अब मेरे को पता है 90% ऑफ द ऑडियंस भाई वीडियो यहाँ पे ख़त्म करके चली जाएगी, पर लेकिन तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट अब मिस करने वाले हो, क्योंकि अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप पीजी शॉप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो एकदम प्रो लेवल पे, मतलब आप कैसे पीजी शॉप के हैक को या फिर कह लो पोकेमोन को हैक आप कर सकते हो एकदम प्रो लेवल इन्फिनिटी पे। मतलब पोकेमोन को हैक तो आजकल कोई भी कर सकता है, पर लेकिन अच्छे से हैक करना और हैक करने में भाई बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप कैसे कर सकते हो पीजी शॉप अच्छे से हैक। तो यार देखो, सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, पोकेमोन गो पीजी शॉप वर्जन खोल लेना है, और उसमें आपको सबसे पहले ये वाला इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है 1990 से पहले पहले, मतलब आपको 2000 से पहले पैदा तो होना ही नहीं है, आप हुए हो पैदा 1990 में, जिससे भाई आगे कोई फ्यूचर प्रॉब्लम्स ना आए। मतलब देख लो यार, अभी मैं इसमें फटाफट से बर्थ डेट डाल देता हूँ, मतलब कोई सी भी रैंडमली उठा के, बस उसके बर्थ ईयर पे ध्यान रखूंगा कि भाई वो 2000 से पहले पहले पैदा हो या फिर 1990 में मैं अपनी बर्थ डेट डालूं। अब देखो आपको करना कुछ नहीं है, पीजी शॉप ने पहली बार ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ करी है, मतलब 2 साल से लोगों ने इसका इंतजार कर रहा है, और वो चीज़ है गाइस नन अदर देन गूगल ईमेल लॉगिन। जी हाँ गाइस, पहले आप पीजी शॉप में सिर्फ अपने फेसबुक से या फिर कह लो भाई अपने पोकेमोन गो ट्रेनर अकाउंट से एंटर कर सकते थे या फिर लॉगिन कर सकते थे,
अब आप लोग भाई अपने ईमेल से भी पोकेमोन गो में या फिर पीजी शॉप के पोकेमोन गो भी लॉगिन कर सकते हो। मतलब और आप लोगों को क्या ही चाहिए, अरे रुको इसकी पिक्चर डाउनलोड हो रही है ऐसा लग रहा है, तो ये अभी पिक्चर देखेगा भाई लॉगिन करने के बाद। तो आप देख लो यार, अपने ईमेल से भी आप लॉगिन कर सकते हो पीजी शॉप के पोकेमोन गो में। मोदी जी ने बोला था अच्छे दिन आ गए भाई, अच्छे दिन और क्या ही चाहिए आप लोगों को। तो चलो यार ये फटाफट से लॉगिन करते हैं और ये अभी पिक्चर देख के आता है। तो देख लो यार, मतलब इसने 11 बजे मेरे को पहली रिकॉर्डिंग भेजी थी, फिर 11:30 बजे दूसरी रिकॉर्डिंग भेजी, अभी इसने पिक्चर देख कर ख़त्म कराया और भाई 3:30 बजे मेरे को वापस रिकॉर्डिंग भेजा है। देख लो भाई, मेरे पास ऐसे रिकॉर्डिंग आती है, मैं लीगल प्लेयर हूँ। मेरे को ये स्पूफिंग की वीडियो मेरे दोस्त ने भेजी है, मैं ऐसे वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता देना चाहूँगा। आप लोग चाहो तो ब्लॉग चेकआउट कर सकते हो। अब भाई इसने लॉग इन कर लिया है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू हैक पीजी शॉप लाइक अ प्रो प्लेयर। मतलब देख लो ये स्टार जो है ना आपके लेफ्ट साइड में, आपको इसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। अब आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, इसके जो ठेठ नीचे, मतलब आपको सबसे पहले स्टार पे क्लिक कर देना है। अब स्टार की जो ठेठ नीचे ये सेटिंग ऑप्शन आ रहा है ना, आपको इस पे सिंपली क्लिक कर देना है और अपने सेटिंग वाले ऑप्शन को खोल लेना है। और जैसे मैंने सेटिंग कर रखी है ना, डिटो एज इट इज वैसे कर लो। आप इसके अंदर से अपनी वॉकिंग स्पीड भी बढ़ा सकते हो। मतलब देख लो भाई, मैंने तो 120 किलोमीटर पर आवर की वॉकिंग स्पीड कर रखी है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पे अपनी वॉकिंग स्पीड रखो, मतलब मेरी मानो तो, मतलब कि इस हैक कर रहे हो यार अच्छे से करो और क्या ही कह सकते हैं। कोड प्रीव्यू या फिर कैच प्रीव्यू या फिर भाई एक्सीलेंट थ्रो या फिर ऐसे एडवांस फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे पीजी शॉप में, और क्या ही चाहिए गाइस आप लोगों को। सारे के सारे फीचर जैसे मैंने सेटिंग में कर रखे हैं आपने देख लिए होंगे। अच्छी बातें नहीं देखे तो भाई वीडियो थोड़ी पीछे करके देख लो, मैं बार बार नहीं दिखाने वाला, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनने वाली है क्योंकि मेरे को पता है यार पीजी शॉप अपने आप में बहुत ज़्यादा सही एप्लीकेशन है। अब आपको करना कुछ नहीं है गाइज, आपको बस थोड़ा सा वेट करना होगा और जितनी भी चीज़ें पोकेमोन गो मांगे पीजी शॉप का पोकेमोन गो मांगे आपको अलाउ ही करना होगा, जिससे भाई आपको फ्यूचर स्पूफिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। और हाँ, मैं पहले ही एक और बार कह देना चाहूँगा गाइज, मतलब दूसरी बार कह रहा हूँ मैं ये बात, इसमें आपको अपने फ़ोन को भी रूट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एकदम फ्री में हो रहा है। ये एक वर्किंग एप्लीकेशन है, आपके फ़ोन को भी कोई हार्म नहीं पहुँचेगा, आपके डिवाइस को भी कोई हार्म नहीं पहुँचने वाला। इसी के साथ साथ आपकी पोकेमोन गो की आईडी भी बैन नहीं होगी, तो भाई इस चीज़ का तो पूरा पूरा फायदा उठाओ यार। और क्या ही कर रहे हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे आपके पंटर लोग या फिर आपके दोस्त लोग भी भाई आराम से हैक कर सके। तो भाई देखो, अब मैं आपको आगे एक चीज़ बता देता हूँ, आप इस जॉयस्टिक को आगे पीछे करके अपने प्लेयर को कहीं भी आगे पीछे हैक करवा सकते हो। मतलब अपने घर बैठे बैठे आप कहीं भी आगे पीछे जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, पेरिस जाओ, लंदन जाओ, या फिर भाई कहीं भी जाओ, मुंबई दिल्ली जाओ, जहाँ मर्जी करें आप हैक करके यहाँ पे जा सकते हो। अब मैं आपको आगे एक चीज़ दिखा देता हूँ, मतलब देख लो, आपको मैप पे क्लिक करना है। मैंने सिंपली क्या करा, स्टार पे क्लिक करा और मैं चला गया मैप पे। मैप पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप अपने आसपास के पोकी स्टॉप देख सकते हो, पोकी जिम देख सकते हो, और पोकी जिम पे जो भी रेड चल रही है करंट रेड भी आप इसमें आराम से देख सकते हो। मतलब देख लो यार, अभी मैं इस पर क्लिक करके आपको लोग को दिखा देता हूँ। अभी मैं जैसे ही पोकी स्टॉप पे क्लिक करूँगा, मेरे अंडर 10 किलोमीटर के अंदर अंदर जितने भी पोकी स्टॉप है या फिर पोकी जिम है सारे के सारे दिखा देगा। इसी के साथ साथ गाइस रेड का फीचर भी दिखा देगा, 1-स्टार रेड है, 2-स्टार रेड है, मेगा पोकेमोन की रेड है, या फिर भाई कोई 5-स्टार लेजेंडरी की भी रेड होगी तो भाई आपको अपने मैप पे देखने को मिल जाएगी। और आप इस पे सिंपली टैप करके या तो यहाँ पे वॉक करके जा सकते हो या फिर टेलीपोर्ट भी हो सकते हो। अभी मैं आपको आगे थोड़ा सा कूल डाउन का सिस्टम बता देता हूँ। कूल डाउन बेसिकली क्या होता है गाइस, जैसे कि पोकेमोन गो को भी पता होता है कि भाई आप इतनी जल्दी मुंबई से दिल्ली नहीं जा सकते। मतलब अभी आपने मुंबई में एक पोकेमोन पकड़ा और उसके 5 मिनट बाद आप हैक करके चले गए दिल्ली और वहाँ पर आप कोई पोकेमोन पकड़ने की कोशिश करोगे तो भाई पोकेमोन गो आपको अलाउड नहीं करेगा वो पोकेमोन पकड़ने के लिए, क्योंकि भाई पोकेमोन गो को भी पता होता है कि भाई 5 मिनट के अंदर अंदर आप दिल्ली से मुंबई नहीं जा सकते। आप इसको एग्जैक्टली ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे कि अभी आपने इंडिया में कोई पोकेमोन पकड़ा, उसके बाद आप चले गए कहाँ पे, अपने लंदन शहर में चले गए या फिर कहीं भी चले गए, आउट ऑफ इंडिया चले गए, जहाँ पे जाने में 2-4 घंटे लगते हैं। तो एग्जैक्टली भाई वही चीज़ सेम सीनेरियो रहने वाला है। पोकेमोन गो को पहले से पता होता है कि भाई कौन बंदा कैसे स्पूफ कर रहा है, तो जितना हो सके भाई कम से कम डिस्टेंस पे आप स्पूफ करने की कोशिश करो। और अगर आप पोकेमोन को हैक कर रहे हो तो कम से कम 2 घंटे का कूल डाउन रखो। जी हाँ गाइस, 2 घंटे का आपको कूल डाउन रखना पड़ेगा। और मैं आपको आगे पीजी शॉप में एक ऐसी चीज़ बता दूंगा जो आपको बता देगी भाई कितने घंटे का या फिर कितने सेकंड का या फिर कितने मिनट का आपको कूल डाउन लगा है कि भाई इतने मिनट तक आप कोई भी पोकेमोन कॉट नहीं कर सकते, इतने घंटे तक आप कोई भी पोकेमोन कैच नहीं कर सकते। अभी अपन आगे एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, तो भाई आपको करना कुछ नहीं है, स्टार्ट पर क्लिक करा, फीड्स में चले गए, फीड में जाके आपको 100 IV पोकेमोन देखने को मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे भाई देख लो, वीडियो पीछे करके थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है वॉइस ओवर, माफ़ कर दो यार, मैं भी क्या करूँ, मैं हैकर तो हूँ नहीं, मतलब ये मेरा रोज रोज का तो काम है नहीं ना यार। और मैं भाई 6000 सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भाई मैंने चैनल पे ऐड लगाना भी शुरू नहीं करा, मतलब भाई इस चैनल से मैंने इनकम लेना भी शुरू नहीं करा, तो अब क्या ही कह सकते हैं गाइस। मैं आपको बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि आपको करना कुछ नहीं है, 100 IV फीड्स पे जाके आप 100 IV पोकेमोन पकड़ सकते हो। इसी के साथ साथ अपने आसपास की रेड भी देख सकते हो। ये जो स्टार वाला ऑप्शन है ना भाई, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, इससे आप अच्छे से देख लो, अपने यहाँ पे जाके आप अपनी स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हो, कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकते हो। और भाई देख लो, सेटिंग आपको डिटो ऐसी रख लेनी है, मतलब देख लो, और मेरी मानो तो स्पीड भाई 20
किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा मत रखना अनटिल एंड अनलेस आपको भाई बहुत ज़्यादा गई जल्दी हो रही हो। अगर आपको एकदम सेफ खेलना है तो भाई 20 किलोमीटर के ऊपर तो स्पीड भूल के भी मत रखना। पर लेकिन अगर आप कभी कभार खेलने वाले बंदे हो मेरी जैसे कि भाई दो चार दिन में एक बार गेम चला लिया तो भाई 120 के तो नीचे लाना ही मत। तो यार देख लो, मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं फटाफट से रेड कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद अपन आगे कुछ इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। शाइनी ना मिले, भगवान करे से शाइनी ना मिले। अब देखो गाइस, जैसे ही मैंने पोकेमोन को आया, मतलब पोकेमोन आया था ना, वैसे ही आपको ऊपर इसकी आई भी दिख गई होगी। तो भाई देख लो, आप पोकेमोन स्पॉन होने से पहले या फिर पोकेमोन आपके सामने आने से पहले आपको आई भी दिख जाएगी, शाइनी होगा तब भी दिख जाएगा। मैं तो भगवान से दुआ कर रहा था इसे शाइनी ना मिले और भगवान ने मेरी सुन ली गाइस, मतलब और क्या ही चाहिए। अब देखो, अगर आपने मेरी जैसी सेटिंग कर रखी होगी तो आपको हर थ्रो आपका जितनी भी आप पोकेबॉल फेंकोगे किसी भी पोकेमोन पे सारे के सारे थ्रो आपके एक्सीलेंट लगेंगे। इसी के साथ साथ गाइस आपको पहले ही पता चल जाएगा पोकेबॉल फूटने वाली है, पोकेमोन एक्सकेप होने वाला है, पोकेमोन कॉट होने वाला है। अभी देखो, जैसे कि ये देखो नीचे, ये है ना मैंने जो लाल लाल बॉक्स बना रखा है, ये भाई आपको पहले ही बता देगा पोकेमोन कॉट होने वाला है फिर पोकेमोन एक्सकेप होने वाला है। इसका बहुत ज़्यादा फायदा है, आपको क्विक कैच करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। क्विक कैच क्या होता है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाल रखी है, जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। और जैसे भाई मैंने अपनी पीजी शॉप की सेटिंग कर रखी है, आपको एक्जैक्टली वैसी ही सेटिंग कर लेनी है जिससे भाई आपकी जितनी भी पोकेबॉल के थ्रो है वो एक्सीलेंट लगे, कर्व बॉल थ्रो लगे और एक्सीलेंट लगे। इसी के साथ साथ ग्रेड भी लग सकते हैं, मेरी मानो तो कर्व बॉल और एक्सीलेंट ही ऑन रखना। इसी के साथ साथ आपको पहले ही पता चल जाएगा भाई कॉट होने वाला, एक्सकेप होने वाला, तो इसके भाई बहुत ज़्यादा फायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं भाई, मैंने आपको पहले किसी वीडियो में बता रखा है, तो भाई जाके मेरी प्रीवियस स्पूफिंग वीडियो चेकआउट कर लो। और भाई इस वीडियो में मैं बताने नहीं वाला, वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है, फिर आगे भी बनेगी भाई, मेरे ख्याल से 13 या 14 मिनट की खिंच जाएगी। तो अब देख लो, ये देखो आराम से इसने कॉट कर लिया है। और भाई इसकी आई वी जो इसने पहले बताई थी ना, वही आई वी आपको सेम रहने वाली है। पोकेमोन पे क्लिक करोगे तब भी आपको इसकी आई वी दिख जाएगी। ये देखो, मतलब बिना अप्रेजल के भी आपको इसके ऊपर आई वी दिख रही है, और क्या ही चाहिए। अब अपन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं, मतलब जो बंदा इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है ना, यकीन मानो मेरे दोस्त तुमने बहुत सही काम करा है, मतलब तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है। अब अपन को करना कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं सिंपली कूल डाउन सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ और पूरा एकदम प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा आखिरी के एक दो मिनट में जैसे मैंने बोला था। तो अभी अपन है ना यहाँ पे कुछ कूल डाउन लगा देते हैं। जैसे कूल डाउन आप कैसे लगा सकते हो, किसी भी पोकेमोन को पकड़ के या फिर पोके स्टॉप या पोके जिम स्पिन करके आप लोग अपना कूल डाउन एक्टिवेट कर दोगे। और एक बार कूल डाउन लग गया है मेरे भाई, तो यकीन मानो अगर आपने इंडिया में कोई भी पोकेमोन या पोकेस्टॉप स्पिन करा है तो आप 2 घंटे तक कहीं भी विदेश में नहीं जा सकते, आपको उसी जगह खेलना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैंने अभी यहाँ पे इंडिया में खेला था और उसके 3-4 घंटे बाद मैं लंदन में जाके खेल रहा हूँ तो कूल डाउन लगेगा क्या, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं भाई। 2 घंटे के बाद आप कहीं भी जाओ, पोकेमोन गो को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको 2 घंटे तक गेम नहीं छूना है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे पोकेस्टॉप स्पिन कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ भाई अपने मैप पे, और मैप पे जाने के बाद अपने यहाँ पे जो नीचे स्टार है ना, हाँ ये नीचे मैंने इसके यहाँ पे सर्कल बना रखा है, आपको प्लेस पे क्लिक करना है और हॉट प्लेसेस पे चले जाना है। मतलब देख लो, पीजी शॉप आपको आगे से बता रहा है कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोके स्टॉप और पोके जिम है। अरे इसने कोई पिक्चर डाउनलोड पे लगा दी। अब देख लो यार, अभी अपन चले गए हैं PR39। अभी अपन न्यूयॉर्क खेल रहे थे और न्यूयॉर्क में खेलने के बाद अपन चले गए हैं PR39, 1-2 मिनट के बाद ही गए हैं। और भाई ये देखो ऊपर, ये जो है ना, ये चीज़ जो मैं घुमा रहा हूँ इस पे, देखो ये टाइम शुरू हो गया ना भाई 2 घंटे का, मतलब ये 2 घंटे तो भाई है मैक्सिमम टाइम, मतलब 2 घंटे तक आप कहीं भी नहीं जा सकते। अभी अपन न्यूयॉर्क में खेल रहे थे और अपन 1-2 मिनट बाद ही PR39 में आ गए। इन दोनों जगह का जो डिफरेंस है ना, मतलब अगर आप फ्लाइट से भी जाओगे, मतलब प्लेन भी पकड़ के आप जहाँ पे जाओगे न्यूयॉर्क से PR39, तो भाई कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे, पर पोकेमोन गो के अनुसार 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे। 2 घंटे का होता है भाई मैक्सिमम कूल डाउन, और अगर आप कूल डाउन के अंदर कोई भी पोकेमोन पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो भाग जाएगा। पोके स्टॉप स्पिन करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा भाई आपका अकाउंट बैन हो सकता है। जी हाँ गाइस, भाई बैन भी हो जाता है कई बार पोकेमोन गो में, अभी नहीं होंगे 110% गारंटी देता हूँ, पर लेकिन हाँ अभी नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी बैन नहीं होंगे। तो यार प्लीज़ यार कूल डाउन को थोड़ा रिस्पेक्ट करना, जितना हो सके कम से कम स्पूफ करने की कोशिश करना, और अगर आप हैक कर रहे हो तो 2 घंटे का तो भाई टाइम मार्जिन बांध के रखना, वरना ये ऊपर जो क्लॉक लगी हुई है इसका भाई पूरा पूरा एकदम फ़ायदा उठाओ कि 2 घंटे तक यहाँ पे जो टाइम चल रहा है उसका पूरा एकदम पालन पोषण करो, और तो क्या ही कह सकता हूँ। और भाई देख लो यार, यहाँ पे मैं कुछ भी कोशिश करूँगा कुछ नहीं मिलने वाला, तो भाई यही है एक्जैक्टली कूल डाउन। आपको कूल डाउन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना होगा। इसी के साथ जो सेटिंग मैंने कर रखी है वही सेटिंग करके रखो। तो यार वीडियो ख़त्म करते हैं, तो अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या फिर आपके पास कोई फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो ज़रूर से कमेंट करके बता देना गाइस। तो बस यार आज की वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल।